शांति, आपका स्वागत है पीस ऑफ माइंड चैनल में। मैं हूँ शिवांगी, मेरे साथ देखेंगे आप खबरें पीस न्यूज की। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्राचीन राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी भारत के लिए उमड़ा लोगों का जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया शुभकामना संदेश, संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन। स्वशासन से सुशासन पर 10 दिवसीय अभियान का दिल्ली से शुभारंभ। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने किया राजयोग द्वारा आत्मनियंत्रण का आह्वान। अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान के गांधीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत। सीआरपीएफ कैंपस समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम। नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से जीवन संवारने का आह्वान। स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में दिग्विजय भाषण की 125वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी को मुख्य वक्ता के तौर पर किया आमंत्रित। धर्म और आध्यात्म के महत्व से कराया अवगत। देश के कई हिस्सों में शांति, आपका स्वागत है पीस ऑफ माइंड चैनल में। मैं हूँ शिवांगी, मेरे साथ देखेंगे आप खबरें पीस न्यूज की। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्राचीन राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी भारत के लिए उमड़ा लोगों का जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया शुभकामना संदेश, संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन। स्वशासन से सुशासन पर 10 दिवसीय अभियान का दिल्ली से शुभारंभ। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने किया राजयोग द्वारा आत्मनियंत्रण का आह्वान। अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान के गांधीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत। सीआरपीएफ कैंपस समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम। नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से जीवन संवारने का आह्वान। स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में दिग्विजय भाषण की 125वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी को मुख्य वक्ता के तौर पर किया आमंत्रित। धर्म और आध्यात्म के महत्व से कराया अवगत। देश के कई हिस्सों में अभियंता दिवस पर कार्यशालाओं का आयोजन। राजयोग मेडिटेशन से स्व प्रबंधन की बताई युक्तियां। नेपाल के धनकुटा में गुड बाय डायबिटीज शिविर। डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने मधुमेह होने के कारण और निवारण पर डाला प्रकाश। और सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हैप्पी इंडेक्स विषय पर कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने जीवन में वास्तविक खुशी के लिए दुआएं देने और दुआएं लेने पर दिया जोर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्राचीन राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में देश भर से आए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्मा कुमारी संस्था दिल्ली जोन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे देश के लोग शरीक हुए। इस कार्यक्रम की सफलता के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभकामना संदेश भेजा। संदेश में मोदी जी ने कहा कि ये संस्था पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से भारत एवं विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान व राज्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि संस्था द्वारा प्राचीन राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी भारत विषय पर विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रति मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और इसकी सफलता की कामना करता हूँ।
इस भव्य समारोह का शुभारंभ संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहनी, विवेकानंद योग संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एचआर नागेंद्र, परमार्थ निकेतन आश्रम के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, पूर्वी दिल्ली की प्रभारी राजयोगिनी दादी कमलमणि, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। धवल वस्त्रों से जगमगाता इंदिरा गांधी स्टेडियम अपने अलग रूप में दिखा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तुझे। स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य है। भौतिकता की चकाचौंध से आगे जाकर मन बुद्धि को भगवान के वास्तविक स्वरूप में केंद्रित करने की विधि का नाम राजयोग है और परमपिता परमात्मा ने भारत में सुख शांति की स्थापना के लिए ही राजयोग विद्या सिखाई थी। But it is to calm down the mind, silence the mind, tranquil the mind, bring peace and continuously stay that inner awareness of silence and peace. While doing any activity, all the time you should be in tune with that inner awareness, in that all-pervasive awareness, and that's what we see in the grand Trimurtis and Dadimas who are here, who are giving that great essence. Pran lete hain कि हम वो सत्योगी दुनिया लेकर आएंगे तो परमात्मा का ज्ञान और शक्ति हर क्षण हमारे साथ है। दिल्ली तथा एनसीआर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के प्रशासक और प्रबंधकों के लिए 10 दिवसीय स्वशासन से सुशासन अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली के मावलंकर सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मृदुल कुमार, दिल्ली सरकार के पूर्व सचिव राकेश मेहता, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, प्रशासक प्रभाग के अध्यक्ष बीके आशा, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवधेश समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उत्तम प्रशासक वो है जो अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उनके दिल व मन को जीतता है। इसके लिए पहले उसे अपने मन को जीतना होगा, अर्थात हम आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान का अभ्यास करें तब अपने मन बुद्धि आचार विचार और व्यवहार पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। योग एंड मेडिटेशन विल गिव देयर स्ट्रेंथ विच विल चेंज देम, विच विल ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ न्यू पर्सनालिटी, इनटू अ न्यू पर्सन बाय विच यू विल बी रेडी टू लिसन टू द वर्ड्स ऑफ गॉड विच ट्रांसफॉर्म्स यू, विच मेक्स यू ऑनेस्ट, विच रिलीव्स यू from all tribulations and all difficulties and all wrongdoings of the world. And that capacity you can get by yoga and meditation. And Brahma Kumaris are doing a great job to the nation. Control over mind, speech and action, man, vachan or karma, through the meditation process of self-realization, which organizations like Brahma Kumaris have been propagating, is the best way to achieve the goal of self-governance. कि हम अपने को इतना empower करें और अगर हम अपने meditation के जरिए अपने को ये positive qualities अगर empower करते हैं अपने को तो ये negative qualities अपने आप छुप जाती हैं और सामने आने का
उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सामने आके हमें डिस्टर्ब करें। प्रशासनिक क्षेत्र में शक्ति और स्नेह दोनों का संतुलित रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है। कहाँ स्नेह से काम लेना है और कहाँ शक्ति से, यानी कानून का प्रयोग करना है, यह विवेक राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से स्वतः ही जागृत होने लगता है। साइलेंस इज ऑलवेज हेल्पफुल, ये मैं आपको बारंबार कहती हूँ, जितना हो सके साइलेंस का अभ्यास करिए। ये साइलेंस बहुत मदद करती है, इससे आपकी इंट्यूशन जागृत होती है। कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है जो इंट्यूटिव है, ऑल ऑफ अस कैन बी, हम सब इंट्यूटिव हैं, बट वी डोंट अलाउ आवर इंट्यूशन टू वर्क। असफलता हमें सिखाती है, सजाती है, समझाती है और भविष्य के लिए सफलता के द्वार भी खोलती है। कमजोरी को खत्म करने का इलाज कमजोरी के विचार नहीं है, सकारात्मक सोच ही हमारी कमजोरी का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। इस अभियान में भाग लेने वालों को पीजे कुरियन ने कलश प्रदान कर अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 8 शाखाओं में दिल्ली, आगरा, नोएडा आदि 8 स्थानों से चलकर नजफगढ़, कोसीकला, नारनौल, गनौर, अलीगढ़, भिवानी, ग्रेटर नोएडा तथा मुरादाबाद में समाप्त होगा। मेरा भारत स्वर्णिम भारत की थीम पर 2017 से 2020 यानी 3 सालों के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान के गांधीनगर पहुंचने पर मेयर प्रवीण पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत स्थानीय बीके सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए पुष्पों से उनका स्वागत किया। इस दौरान कड़ी विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावासों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें स्वच्छता, पॉजिटिविटी और मेडिटेशन के अभ्यास से जीवन में दैवी गुणों और शक्तियों के विकास होने की जानकारी दी गई। अभियान के गांधीनगर पहुंचने से पहले सीआरपीएफ कैंपस में डीआईजी राकेश ढक्कलवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अभियान यात्रियों में उमंग उत्साह भरते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और अभियान के प्रति शुभकामना व्यक्त की। इसी कड़ी में गांधीनगर समाचार के मैनेजिंग ट्रस्टी कृष्णकांत से सभी अभियान यात्री बीके सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान मैनेजिंग ट्रस्टी ने सहृदय सभी का अभिवादन किया और पूरी यात्रा के दौरान हुए अनुभव सुने, जिसे सुनकर उन्होंने खुशी जाहिर की तथा इस अभियान की सफलता की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। विदेशी जमीन पर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा के दौरान भाई बहनों के संबोधन से भारतीय संस्कृति का जलवा बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया जानती है। उनके इस अद्वितीय दिग्विजय भाषण के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य युवा आयोजन छत्तीसगढ़ शासन, राष्ट्रीय सेवा योजना बिलासपुर विश्वविद्यालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सर्वधर्म समन्वयाचार्य स्वामी विवेकानंद नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने सभी युवाओं और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। 50,000 से भी अधिक हम बहने, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने कर ली थी, तो आज हम बहने लोगों को पवित्रता का संदेश दे रही है, आध्यात्म का संदेश दे रही है, प्रेम का संदेश दे रही है। वहीं उपस्थित अन्य वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर हर चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसके साथ ही धर्म और आध्यात्म के सही महत्व से सभी को अवगत कराया। बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति गौरी दत्त शर्मा, गुरुकुल बीएससी प्रमुख ब्रजेंद्र शुक्ला, नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला प्रमुख राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। मेडिटेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम सेल्फ मैनेज हो सकते हैं। ये उक्त विचार पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण के हैं, जो उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में इनहेंसिंग एफिशिएंसी थ्रू मेडिटेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की। मेडिटेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम सेल्फ मैनेज हो जाते हैं, और इंटरनली अगर हम मैनेज हैं तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट तभी ठीक कर पाएंगे जब सेल्फ मैनेजमेंट, हमारा इंटरनल मैनेजमेंट ठीक है तो
तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। अगर इंटरनल मैनेजमेंट हमारा डिस्टर्ब है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो हम एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब रहेंगे। इंजीनियर्स डे पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ थर्मल पावर स्टेशन पानीपत के सीनियर इंजीनियर अशोक सिंगला, ISRPL के जनरल मैनेजर मोहम्मद साजद आलम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके सुनीता और बीके भारत भूषण ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके सरला ने अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वयं को जानकर जीवन की सच्ची खुशी हासिल करने का आह्वान किया। वहीं बीके सुनीता ने हर परिस्थिति में परमात्मा से बुद्धि द्वारा कनेक्शन जोड़ने की बात कही। दुनियावी स्टडी तो हमने बहुत कर ली है, ये है अंदर की स्टडी, अंदर अपने आप को महसूस करना कि मैं कौन, किसको आज आवश्यकता है शांति की, किसको आवश्यकता है सुख की, किसको आवश्यकता है खुशी की, अपने आप से पूछे। हम सब देखते हैं ये शरीर तो नाशवान। अंत में सभी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सौगात भेंट कर भविष्य में सदा उन्नति करते रहने की शुभकामनाएं दी। आने वाले वर्षों में मधुमेह विश्व की सबसे भयावह बीमारी होगी। गलत खानपान, धूम्रपान की लत, मोटापा और असामान्य जीवन शैली इस रोग को और गंभीर बना रहा है। भारत में आज 6.5 करोड़ लोग मधुमेह रोगी हैं, तो 7.25 करोड़ लोगों में प्री डायबिटीज के लक्षण हैं। ऐसे में लोगों में मधुमेह रोग के प्रति जागरूकता लाने व मधुमेह से ग्रसित लोगों को उससे बचाने के उद्देश्य से नेपाल के धनकुटा में गुड बाय डायबिटीज नामक शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक भवन में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ समानबाय समिति के जिला संयोजक टंका चौहान, नेत्र ज्योति संघ के अध्यक्ष द्रोणा गुरा गई, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष नरेंद्र पोखरान, मधुमेह समाज के अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठ, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू, ईस्टर्न नेपाल सेवा केंद्रों के निदेशक बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि ने कहा कि शुभ कर्म करने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और समाज का भी कल्याण होता है। वहीं बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने विषय पर प्रकाश डाला। तो आज हम सभी को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है कि आप दवाई से इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अंत में सभी को म्यूजिकल एक्सरसाइज कराए तथा बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू समेत सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के साथ ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन और सेल्फ मोटिवेशन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुंबई से आए मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश ठुमर, वेलफेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हर्षिदा मोदी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। बीके ईवी गिरीश ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम खुशी के आधार को नहीं समझ पाएंगे तब तक खुशी की तलाश करते रहते हैं। वहीं उपस्थित चिकित्सकों ने इस कार्यक्रम की और सेवा केंद्र के वातावरण की जमकर सराहना की। जैसे जैसे पूर्ति होती जाएगी, इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी थ्योरी के हिसाब से, सॉरी लाइफ इज नॉट इकोनॉमिक्स, कहते हैं जितना प्यार दो उतना प्यार बढ़ता है, हम बांटने से बढ़ता है। हमने ना लाइफ को भी इकोनॉमिक्स बना दिया, लाइफ को भी बिजनेस बना दिया है। लाइफ इज नॉट बिजनेस फ्रेंड्स, दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम इज। वी हैव डाइल्यूटेड लाइफ, किसके चक्कर में लाइफ को डाइल्यूट कर दिया, ओनली गॉड नोज, विच वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। जीवन में खुद दूसरों को सिखाते रहते हैं हम कैसे खुश होना, बट कई बार
रिवीजन जब चाहिए होता है तो ऐसे ऐसे मौके आते हैं, भगवान आपको ऐसे मौके देता है जहाँ कविता बहन या गिरीश भाई के लेक्चर सुनने को मिलते हैं, तब याद आता है कि अच्छा एक आध परसेंट भी जो भूल गए थे वो याद आ जाता है। और क्या याद आता है कि शायद मेरी खुशी कहीं और नहीं है, मेरे पास ही है। सो थैंक यू इस रिमाइंडर के लिए। अंत में सभी चिकित्सकों को शॉल उड़ाकर व ईश्वरी सौगात भेंट कर सेवा केंद्र पर पुनः आने का निमंत्रण दिया। इजी मेडिटेशन फॉर बिजी इंजीनियर्स विषय पर मध्य प्रदेश जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने कहा कि हमें खुशी और शांति के स्रोत से कनेक्शन जोड़ने के लिए स्वयं का और परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। वो खुशियों का स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, जहां से यदि मैंने अपने मन को जोड़ लिया, कनेक्शन कर लिया, तो कनेक्शन करने से करंट तो आते ही है। ये ज्ञान चाहिए, हमें इस अज्ञानता का बोध होना चाहिए। इसके साथ ही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूजा ने कहा कि मैं मनी और मटेरियल को मैनेज करने वाला मन है, जिसे राजयोग के द्वारा ही मैनेज किया जा सकता है। संसार के अंदर तीन एम है, मैं, मनी और मटेरियल, ये तीन चीजें हैं। और इन तीनों को मैनेज करने वाला कौन है? मैं। हम इंसान इन तीन चीजों को मैनेज कर रहे हैं आज, और मैन को भी जो मैनेज करता है वो एक और एम है, और वो है हमारा माइंड, मन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है कि आज वो मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस मौके पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता सुनील तिवारी और एफडी ठाकुर समेत कई इंजीनियर्स मौजूद थे, जिन्हें अंत में सम्मानित भी किया गया। हम सभी को भगवान ने जीवन में बहुत कुछ दिया है, क्या हमने इसके लिए कभी दिल से उनका आभार माना है? बजाय उन चीजों को याद करने के जो हमारे पास नहीं है, यदि हम उन चीजों को याद करेंगे जो हमारे पास है, तो निश्चित तौर पर हम खुश रह सकते हैं। कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति नई दिल्ली के CBI में आयोजित कार्यशाला में लोधी रोड के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने व्यक्त की और राजयोग के द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर व्याख्यान दिया। केवल आज की बात ही में रही है, जो भगवान ने दिया है उस परमात्मा का थैंक्स करिए कि उसने मुझे क्या नहीं दिया है। I'm thankful to him। टेंशन चलिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि हमें यदि जीवन में प्यार, सम्मान व सहयोग चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें सभी को प्यार, सम्मान व सहयोग देना होगा। इस मौके पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी समेत कई अन्य स्थानों से आए अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लिया। नेपाल में मलंगवा के सरलाही कैंपस में सकारात्मक चिंतन और नैतिक मूल्य से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माउंट आबू से राजयोगी बीके भगवान ने कहा कि सकारात्मक सोच द्वारा विपरीत परिस्थिति में भी आशा की किरण दिखाई देती है, और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार करने से आपसी भाईचारा बना रहता है। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना, शिक्षा का मूल उद्देश्य तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, शिक्षा का मूल उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना, शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्रवान बनना। इसके साथ ही प्राचार्य हीरा प्रसाद कुम्हाली और संस्था के अध्यक्ष राम स्वरूप राही ने जीवन के आदर्शों पर चलने की बात कही। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और बीके भगवान ने अंत में राजयोग का अभ्यास कराया। मैं साधारण बालक नहीं, मुझे संस्कारी बनना है। मेरे जीवन की एक एक पल बड़ा कीमती का है। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हैप्पी इंडेक्स विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि विशेष रूप से मैंडरिन स्पीकिंग ग्रुप के लिए आयोजित था। इस मौके पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने जीवन की वास्तविक खुशी हासिल करने के लिए दुआएं देने और दुआएं लेने की बात कही। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपने पावरफुल अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। वहीं जॉर्डन हॉल में ब्यूटी ऑफ कर्मा विषय पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने कर्मों की गुह गति के बारे में जानकारी देते हुए श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। साथ ही सेवा केंद्र पर माउंट आबू से आए बीके श्रीनिवास ने ईश्वरीय ज्ञान में हुए सुखद अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने भी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभवों को सभी के साथ उमंग उत्साह से साझा किए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें gwspeacenews.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।